नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ज्ञान व्यापी के फैसले को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर बलरामपुर में एसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई। इसी दौरान एसओ ने पुलिस बल के साथ नेशनल हाईवे पर भी चेकिंग की। साथ ही एसओ ने आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जौनपुर में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर ग्राहक बनकर आए दो बदमाशों ने सोने की ज्वेलरी लेने के बहाने सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। भाग रहे बदमाशों और स्वर्ण व्यापारी के साथ धक्का मुक्की का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। भरे बाजार में इस घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। फुर्सतगंज सीएससी अधीक्षक ने जांच में एक फर्जी डॉक्टर का अवैध नर्सिंग होम चलाने का खुलासा किया। साथ ही सीएससी अधीक्षक ने कार्रवाई के लिए सीएमओ को रिपोर्ट भी भेज दी है। वहां पे एक आईजीआरएस शिकायत पड़ी हुई थी, उसके संदर्भ में उनको जांच में गए थे, तो वहां पे दो मरीज भर्ती मिले हैं, दो तीन, लेकिन कोई डॉक्टर उस समय उपस्थित नहीं था। उसकी प्रथम दृष्टया जो कुछ देखा गया उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई। फरुखाबाद में घर में बकरी घुसने को लेकर विवाद हो गया। मामले से विवाद इतना बढ़ गया कि ताबड़तोड़ गोलियां भी चल गई। गोलियों के चलने से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। वहीं गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल युवक को मोहल्ले के लोगों ने सीएससी में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के विभिन्न इलाकों में आसमान में अजीब नजारा दिखा। दरअसल आसमान में कोई उड़ती हुई अजीब सी चीज दिखाई दी। वहीं कई लोगों ने इसे देखने के बाद अलग अलग अनुमान लगा लिया। कई लोगों ने इसे एलियन का विमान बताया तो कई ने खगोलीय घटना बताया। सरोवर नैनीताल में अनुसूचित जाति कल्याण आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अनुसूचित सीपी के अंतर्गत संचालित योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों को योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए अधिकारियों को तहसील दिवस, बीडीसी बैठक, कैंप के माध्यम से योजनाओं की निर्देश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में जहां बारिश के सीजन के चलते यात्रियों की संख्या में काफी कमी दिख रही थी, तो वहीं धीरे धीरे गंगोत्री धाम में यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि फिर से धाम में यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क के ट्रैकिंग मार्ग बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो रखे थे, उनका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है और अब वो सुचारू हो चुके हैं, जिससे कि गोमुख जाने वाले ट्रैकिंग और यात्रियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। काशीपुर में वन विभाग और खनन वाहन मालिकों की चेकिंग के दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वन विभाग की टीम काशीपुर की फोर लेन पर चेकिंग करने पहुंची थी। प्राइवेट वाहन से बिना वर्दी यूनिफॉर्म के वन विभाग के कर्मचारी खनन की गाड़ियों को रोक रहे थे, जिससे वाहन मालिक बौखला उठे और वन विभाग की टीम के साथ धक्का मुक्की करने लगे। वहीं मालिकों का आरोप है कि चेकिंग के नाम पर वन विभाग उनसे वसूली कर रहे थे। देखिए, ये सूचना आ रही थी कि उपखनिज का अवैध अभिवहन किया जा रहा है, तो उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी उपप्रभागीय वनाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में, जिसमें दक्षिणी जसपुर रेंज के स्टाफ थे और वन सुरक्षा दल और काशीपुर रेंज के स्टाफ भी थे। इनके द्वारा कल कुल तीन वाहनों को उपखनिज का अवैध अभिवहन करते हुए पकड़ा गया है और वहाँ मौके पे कुछ अज्ञात लोग थे जिनके द्वारा इस तरह से कुछ बहसबाजी हो रही थी, तो उसमें फिर वहाँ जो संबंधित पुलिस विभाग के कार्मिक हैं उनको भी बुलाया गया था और फिर उसमें जो है नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में ग्राम प्रधान की हत्या करने जा रहे छह बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से कार्बाइन, पिस्टल, तमंचा सहित भारी मात्रा में कारतूस, लूटे गए सोने के आभूषण, नकदी बरामद की है। पकड़े गए पांचों बदमाश जौनपुर के हैं, जबकि एक बदमाश सुल्तानपुर का रहने वाला है। दरअसल मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हथियारों के साथ रवनिया पश्चिम गांव के प्रधान राजनारायण यादव की हत्या करने जा रहे हैं। उनके पास लूट के आभूषण भी है, जिस पर हरकत में आई पुलिस ने घेराबंदी कर दो बाइकों पर सवार छह बदमाशों को पकड़ लिया, जबकि दो बदमाश भागने में कामयाब रहे। करते उनको ना मानते हुए ये लगातार जो बादी पक्ष थे उनके ऊपर दबाव या प्रभाव बनाना चाह रहे थे, ताकि इस मुकदमे में बादी जो भी विटनेसेस से होस्टाइल हो जाए
और ये केस कोर्ट में ख़त्म हो जाए। लेकिन जो बादी पक्ष था उनके सपोर्ट में उस गांव के ही प्रधान राज नारायण यादव जी थे, जो लगातार बादी पक्ष को हिम्मत और तथा हौसला दे रहे थे। तो इनको लगा, पर्टिकुलरली जो पूरा परिवार जो जेल में गया हुआ था 2020 की घटना में, उनको लगा कि जब तक ये प्रधान जीवित है तब तक ये मामला सुलह नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इंद्रेश ने ये प्लान किया बाकी लोगों के साथ मिलकर उस घटना में जो लोग शामिल थे हत्या में, कि इस प्रधान को मार दिया जाए। बॉलीवुड को राजनीतिक सामाजिक मुद्दों से जुड़ी सुपरहिट फिल्में देने वाले, अपनी कहानियों से लोगों को बड़े पर्दों पर समाज का आईना दिखाने वाले बेहतरीन निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा एक्टिंग के जरिए फिल्म स्विंग में नजर आने वाले हैं। इसको लेकर वो लखनऊ के सहारा मॉल में अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचे। प्रकाश झा ने 16 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म मट्टो का प्रमोशन किया है। फिल्म में प्रकाश झा एक ऐसे मजदूर का किरदार निभा रहे हैं जिसके लिए साइकिल ही उसकी दुनिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।